नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर साल 2020 के फरवरी मंथ की ग्रहों की स्थिति और उसके प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। मेष से कर्क लग्न तक के जातकों की चर्चा हम कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर सिंह लग्न के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके लिए फरवरी का यह महीना कैसा जाने वाला है, और साथ ही चंद्रमा के गोचर के हिसाब से इस महीने के अशुभ दिन कौन कौन से हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, और वो दिन कौन से हैं जिन दिनों में धन आगमन के सबसे ज़्यादा योग बन रहे हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति इस महीने आपके संतान भाव में रहने वाले हैं और स्वयं की राशि में गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। आपके प्यार की नई शुरुआत भी हो सकती है। यदि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय में आप अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस महीने यदि आप संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही स्वस्थ संतान का आपके घर में आगमन होगा। वह पुत्र संतान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। यदि आप क्रिएटिविटी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आप अपना बेस्ट रिजल्ट देंगे। शनि 24 जनवरी 2020 से आपके छठे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि का स्वयं की राशि में गोचर आपको शत्रुओं पर विजय व रोग पर विजय दिलवाएगा, किसी पुराने लोन से छुटकारा दिलाएगा, और यदि किसी नए लोन के लिए अप्लाई आपने किया है तो वह भी इस मंथ में आपका पूरे होने के पूरे योग बन रहे हैं। सूर्य 1 फरवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में आपके 6 में रहेंगे। त्रिक भाव में सूर्य का गोचर शुभ प्रभाव नहीं देता। 13 फरवरी से 29 फरवरी तक सूर्य कुंभ राशि में 7वें भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर शनि की राशि होने के कारण सूर्य के प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए कुंडली में शनि व सूर्य की तात्कालिक मित्रता को हम देख सकते हैं। यदि कुंडली में सूर्य व शनि तात्कालिक मित्र हैं तो आपको इसके शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। बुध 1 फरवरी से 29 फरवरी तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में रहेंगे और आपको पत्नी से लाभ व बिजनेस पार्टनर से लाभ कराएंगे। बुध इस महीने आपके लिए शुभ ही रहेंगे। मंगल 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वृश्चिक राशि में स्वयं की राशि में होंगे। इस समय में आपको अपनी माता से लाभ हो सकता है। भाग्य का साथ भी इस समय में आपको मिलेगा। 7 फरवरी से 29 फरवरी तक मंगल धनु राशि में संतान भाव में होंगे और यह अपनी मुदित अवस्था में होंगे, तो मंगल भी आपको पढ़ाई में व संतान से अच्छी खबरें दिलाने में हेल्प करेंगे। शुक्र फरवरी महीने में मीन राशि में उच्च के होकर आपके 8th हाउस में रहेंगे। इस समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी से संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करते रहना है। झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना होने दें। राहु आपके लाभ भाव में रहकर लाभ की स्थिति में बने रहेंगे। ये आपको इस समय अचानक से लाभ दे सकते हैं। लाभ भाव में राहु अपनी उत्तम स्थिति में होते हैं। केतु भी गुरु के साथ रहकर आपके अंदर धर्म की भावना को जागृत करते रहेंगे और मंत्र साधना जैसी विद्या प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा 31 जनवरी शाम 6:09 से 3 फरवरी की सुबह 5:39 तक मेष राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इस समय में आप किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा पर जा सकते हैं। पिता से भी आपको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। चंद्रमा गोचर करते हुए 7 फरवरी की शाम 6:23 पर कर्क राशि में आपके 12वें भाव में स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए शुभ नहीं है। इस समय में अनावश्यक खर्चों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। चंद्रमा इस राशि में 9 फरवरी को शाम 7:42 तक रहेंगे। 11 फरवरी शाम 7:42 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में आपके धन भाव में होगा। धन लाभ के हिसाब से यह महीने का सबसे उत्तम समय है। इस समय में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट कहीं से आ सकता है। इसके अलावा 20 फरवरी को दोपहर 1:51 पर चंद्रमा मकर राशि में 6ठे भाव में होंगे और शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। रोग कर्जा झगड़े के हिसाब से भी यह समय शुभ नहीं है। यह समय बहुत सावधान रहने का है। चंद्रमा इस राशि में 23 फरवरी को सुबह 12:28 तक रहेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को दोपहर 12:56 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है, सावधान रहें। तो दोस्तों, ये था सिंह लग्न वालों के लिए फरवरी महीने की ग्रहों की स्थिति व उसका प्रभाव। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्या लग्न के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और वर्धमान एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ अपलोड होते ही उसका मैसेज आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।